हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें UPPCL में JEE TG2 और AE की अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि 3 तारीख को टेंडर आमंत्रित किए गए हैं और 3 तारीख को टेंडर खुलेगा और हो सकता है कि बहुत ही जल्द आपको JEE, AE और TG2 की वैकेंसीज़ देखने को मिले। और यही वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो निराश थे उनके चेहरे पर खुशी की दिखाई दी और बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने तैयारी करना छोड़ दिया था उन्होंने फिर से तैयारी करना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो कह रहे थे कि ये फेक है और ये झूठी खबर है। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि वो जो मैंने आपको अपडेट दी थी वो एकदम जेन्युइन है। अगर आपको विश्वास ना हो रहा है तो आप लोग यूपी गवर्नमेंट की ई टेंडर की वेबसाइट पर जाके आप लोग देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर में आपको लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी थे जो कि अपडेट मिलने के बाद भी बार बार मैसेज कर रहे हैं कि UPPCL में वैकेंसी कब आ रही है, JEE की वैकेंसी कब आ रही है या फिर TG2 की वैकेंसी कब आ रही है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि 3 मार्च का वेट कर लीजिए। 3 मार्च 2020 को टेंडर आमंत्रित किए गए हैं, जो आपका UPPCL है उसमें टेंडर खुलेगा और 3 मार्च के बाद ही मालूम पड़ेगा कि किसको टेंडर मिला है और वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि क्या जो UPPCL है उसमें CCC अनिवार्य कर दिया गया है, क्या CCC अब कंपल्सरी है। तो देखिए, CCC कंपलसरी नहीं है। जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसमें देखिए आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपको एक नोट दिख रहा होगा, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 2017 के बाद से जो पैटर्न था उसमें बदलाव किया गया है। अब जो भी कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ज़रूरी नहीं रखा गया है, अब उसकी जगह आपको 50 मार्क्स का कंप्यूटर का पेपर पास करना होता है और 50 मार्क्स का पास करने के बाद ही आपको जो आपने टेक्निकल या नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन किया है उसके लिए आप एलिजिबल माने जाते हैं। तो जो लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर का CCC सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है क्या, तो उनको जवाब मिल गया होगा कि UPPCL ने खुद ही जवाब दिया था कि जो आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन तभी आपका चेक होगा जब आप 50 नंबर का जो कंप्यूटर का पेपर होगा उसमें 20 नंबर आप क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए CCC अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी मैसेज आ रहा है कि 3 मार्च को जो टेंडर होने वाला है, अगर मान लीजिए वो टेंडर हो जाता है तो उसके बाद वैकेंसीज आने में कितना समय लगेगा, कब तक आपकी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो देखिए, ये मतलब मान लीजिए कि 2 से 3 महीना तो लगता ही लगता है, 2 से 3 महीना टेंडर होने के बाद समय लगता है। तो अगर 2 से 3 महीना लगेगा तो मान लीजिए कि मई से जून के बीच में आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। और कितनी वैकेंसीज हैं JEE की और TG2 की और AE की, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ था तो उसमें ये था कि जो आपका TG2 है उसकी 608 पोस्ट ये इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। इसका मतलब कि TG2 की तो 608 पोस्ट कंफर्म है, अब JEE और AE की कितनी आएगी ये टेंडर ओपन होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बार बार मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि क्या जैसे टेक्नीशियन लाइन के लिए साइंस साइड और आर्ट साइड वाला जो ऑप्शन था वो रखा गया था कि 10th आपने साइंस साइड से किया होना चाहिए, तो ये क्या अपकमिंग वैकेंसीज में फ्यूचर में कभी दिख सकता है। तो देखिए, वो एक रेयर केस था और उम्मीद कम है कि अपकमिंग वैकेंसीज में आपको साइंस साइड या आर्ट साइड करके आपको पूछे, एलिमेंट्री मैथ्स या फिर आपका नॉर्मल मैथ्स दोनों में ही आप अगर किए हैं तो इन फ्यूचर होपफुली आप भर सकेंगे, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको ये देनी है कि जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि वैकेंसीज आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और मई और जून के आसपास में हो सकता है कि आपको वैकेंसीज देखने को भी मिल जाएं। तो वैकेंसीज के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उसके लिए तैयार रहें। तो इसी को देखते हुए इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस लखनऊ में 2 मार्च से जो UPPCL TG2 का बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें टेक्निकल, रीजनिंग और इंग्लिश सब आपको पढ़ाया जाएगा और 4 महीने का ड्यूरेशन है। बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और फीस और बाकी जानकारी आप ले सकते हैं।
व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप लोग इसको जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको लग रहा है कि वैकेंसीज आएगी, वो तैयारी में लग जाएं, और जो अभी भी डाउटफुल हैं तो वो वेट करें, जब वैकेंसीज आ जाएं तब आप उसमें तैयारी करना शुरू कर दें। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने इससे पहले की जो अपडेट वाली वीडियो थी वो नहीं देखी है तो उसके बाद उसको ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।